उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स उनके मंच के पास पहुंचा और वहां पर उसने जय श्री राम के नारे लगा दिए। हालांकि सपा कार्यकर्ताओं ने उसे तुरंत वहां से हटा दिया, लेकिन इससे अखिलेश यादव नाराज हो गए। उन्होंने हैरानी जताई कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में कोई शख्स उनके मंच के पास पहुंचकर ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं से नाराज होकर अखिलेश यादव ने पुलिस को भी टपट लगाई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुलिस अधिकारी से नाराजगी भरे लहजे में बात करते हैं और सवाल जवाब करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों क्या है कैसे गया पर? पर? बैठा हुआ जाने सरकार थाने में आपकी सुरक्षा में कैसे आ सकता है आपके अंदर? क्या कर रहे थे आप? आप क्या कर रहे थे? यहाँ से जा नहीं सकता हूँ। जाना है तो कप्तान साहब को लेकर आइए, लड़का लेकर के आ गया। जब आप पूरा पता नाम पता पिताजी का नाम हो जाएंगे लोग यहाँ पर। इसके बाद अखिलेश यादव ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी के लोगों से उनकी जान को खतरा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये ना समझे कि अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके हमारी चुनावी जनसभा खराब कर सकते हैं कार्यक्रम। वो भी कन्नौज में कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना। अगर उनकी हरकत ये रही, सुधार नहीं हुआ, लोकतंत्र में ये परंपरा नहीं अगर अपनी बदली, तो वो भी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, ये ना समझे वो लोग। इसलिए मैं कहा चाहूंगा प्रशासन से, और मैंने कहा है और मैं अभी कहता हूँ जो एसओ साहब होंगे, कि कल उस लड़के को और उस पिताजी से जेल मत भेजो उसे, लेकिन हमसे मिला तो दो, आखिरकार वो ये हरकत क्यों कर रहा था? और आपको ये जान करना चाहिए, ये बताओ अगर उनकी सभाएं खराब करने लगे तो क्या कर लेंगे वो?